खरगोन में आज अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 12 दिन से हड़ताल कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी 12 दिन से नियमितीकरण सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े 17 विभाग से जुड़े कर्मचारियों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। हड़ताल कर्मी कर्मचारियों का कहना था कि मटकों को फोड़कर हमने चेतावनी दी है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक प्रदेश की 330 पंचायतों में कामकाज ठप रहेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हड़ताल 12वें दिन प्रवेश कर गई है। शासन के द्वारा हमारी मांगों का न्याय उचित निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज हमने विरोध प्रदर्शन के स्वरूप में मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके तहत हमने आज मटके तोड़े। आज हमारी पूरे मध्य प्रदेश की 313 जनपदों में मटका फोड़ कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन के स्वरूप किया जा रहा है। शासन अगर हमारी मांगों का न्याय उचित निराकरण नहीं करती है तो हमारा आंदोलन आगे भी उग्र रूप से किया जाएगा। शासन के द्वारा आज हमारे 12 दिन आंदोलन को हो गए, लेकिन शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही हमारी मांगों के बारे में कोई निराकरण किया जा रहा है। इसी के विरोध स्वरूप आज हमने मटका तोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्या नाम है आपको? शकील पठान, पंचायत सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।